बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और हम आ गए हैं नया चैप्टर लेके, दैट इज क्लास ट्वेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। चलिए क्विकली बात करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा टैबुलर फॉर्म में पढ़ाऊंगी, तो आपको वो और ज़्यादा ईजी होगा हर चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए। और वही टेबल मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एज आई ऑल वेज से। तो हेल्थ, सबसे पहले तो एक वर्ड आ जाता है हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हमें लगता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है तो इट मींस वी आर हेल्दी। बट सिर्फ हेल्दी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, मेंटली हमें हेल्दी होना चाहिए, हमें सोशली भी वी शुड हेल्दी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके कंटेक्स्ट में ही हम हेल्दी एक बांधते हैं। तो देखिए, मैं पूरा यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बस एक बात कर रही हूँ कि जो हेल्थ है वो हमारी सोशल बीइंग भी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, हमारी मतलब आप बोल सकते हैं फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि हेल्थ जो है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारी डिफिशेंसी विच अ चाइल्ड इज बॉर्न और डिफिशेंसी डिफेक्ट्स विद द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। कई बार होते हैं कुछ बच्चे जन्म से ही कुछ चीज़ों की डिफिशेंसी लेके आते हैं, कुछ चीज़ों की डिसऑर्डर्स लेके आते हैं, तो वो। सेकेंड इज़ इन्फेक्शन, बाहर आने के बाद उनके ऊपर जो भी पैथोजन अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। एंड थर्ड इज़ लाइफ स्टाइल, ठीक है, यानी कि उनका फूड इनटेक कैसा है, वाटर कैसा ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, हेल्दी हैबिट्स है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक हेल्थ को अफेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि द टर्म हेल्थ इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन दैट। ओके, तो वो बोल रहा है हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमारा मेंटली भी वी शुड बी हेल्दी, सोशली हम कितने लोगों के साथ कनेक्ट हैं वो भी एक हेल्थ में ही आता है। अगर इफ़ वी आर नॉट सोशली कनेक्टेड तो हम हेल्दी पर्सन में नहीं आएंगे। ओके, ऑब्वियसली उसकी वजह से भी नया मतलब मेंटल इशूज शुरू हो सकते हैं। ओके, सो वेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशियंट एट वर्क, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो बैलेंस हाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी गुड हेल्थ। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस बचाना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ऑब्वियसली हेल्थ की बात करें तो डिजीज़ की बात आएगी, कि डिजीज़ ऐसी क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पे है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम वी सेड दैट वी आर नॉट हेल्दी। अगर हमारा कोई सही से बॉडी काम नहीं कर रहा है, वी आर फीलिंग वेरी लेस एनर्जी या कुछ ना कुछ डिसफंक्शन है, देन वी हैव अ डिजीज़। अ डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इंटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। दो मेन कैटेगरी है डिजीज़ की। इन्फेक्शियस, द डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड है ना, किसी को वायरल फीवर हुआ है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम एटलीस्ट सम टाइम्स और अदर। हम मतलब पूरी लाइफ में एक बार तो उससे सफ़र होते ही हैं। सम ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज लाइक एड्स, दे आर फैटल है ना, ये भी ट्रांसमिट हो सकती है। ओके, नॉन इन्फेक्शन डिजीज, कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ओके, कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शन से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इवन चाहे ब्लड भी ट्रांसफ़र कराया जाए, इट मतलब उसका बॉडी का ही ये एक तरह का सिम्टम क्रिएट हुआ है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आर हेल्थ एडवर्सली। तो बाद में हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे, हम एड्स के बारे में बात करेंगे, हम कैंसर के बारे में बात करेंगे और हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, मोस्टली हम कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब है ना आगे जितना भी हम ये पढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि हम एक टेबल से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए समझना। तो वॉट एवर इज़ रिटन ओवर हियर ना, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन अ टेबल विच आई हैव मेड, सो आई थिंक वी शुड गो बाय दैट टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टेबल से। तो सी, दिस इज द टेबल।
ठीक है, इसमें दे ही रखा है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड एंड एड्स, ये वायरस से होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज लाइक टाइफॉइड, निमोनिया, प्रोटोजोअन, मलेरिया, अमीबायसिस, फंगल, रिंगवॉर्म, हेलमिंथ में एस्केरिस एंड एलिफेंटिस। मतलब मैंने एक बार में ही आपको सारा प्रोवाइड कर दिया है कि कौन कौन से डिजीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अभी लेते हैं आगे। तो देखिए, ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको बता रखा है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा पढ़ने में। आप इसको मैं पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पर भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बैक्टीरियल डिजीज़। पहले है, सबसे पहला है, दैट इज़ द टाइफॉइड। इट इज़ कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ फ्रेम हो सकता है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। देन मैरी मेलेनिन, निक नेम टाइफॉइड मैरी, ठीक है, वॉज अ कुक एंड अ टाइफॉइड कैरियर। जो मैरी मैकमिलन एक्चुअली नाम था, ओके, ये मेलेनिन हो गया, राइट। तो ये इसका नेम क्या रखा गया, टाइफॉइड मैरी निक नेम रखा गया। क्यों? बिकॉज शी वॉज अ कुक एंड शी वॉज हैविंग दिस टाइफॉइड। तो जब वो खाना बना रही थी तो अपने खाने के थ्रू वो और लोगों को भी अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रही थी या ट्रांसफ़र कर रही थी। ठीक है, दैट्स वाई शी एक्ट एज अ टाइफॉइड कैरियर। इट इज़ कॉज बाई दी सेलमोनेला टाइफी। देखिए ऊपर क्या है, कॉजिंग एजेंट है, कॉज बाय सेलमोनेला टाइफी। देन सोर्स क्या है इसका, इट एंटर थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑब्वियसली याद रखना, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंट्री हो रही है तो वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही होगी। क्या क्या सिम्टम्स हैं, सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। अगर बहुत सीवियर होता है तो इंटेस्टाइन जो है उनमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। ओके, सेकेंड आ जाते हैं न्यूमोनिया, जिसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है कॉजिंग एजेंट। कैसे फैलेगा, इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन एंड शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल विद द इन्फेक्टेड। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है। अब देखो इसका सिम्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। न्यूमोनिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है, एल्वियोलाइज उसमें पानी भर जाता है एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, कॉफ, हेडेक, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे गेट टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। वाई ब्लूइश इन कलर, क्यों हो जाते हैं लिप्स, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपको पता ही है कि ये जो लंग्स है यहाँ पे जो ये सारे एल्वियोला है, अब इसमें ही क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, इसके पास में ही ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। अब जब क्योंकि इसमें बिकॉज पानी भर गया तो यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, है ना, उसकी वजह से हमारे ब्लड में O2 की कमी हो जाएगी और उसी वजह से फिंगर्स से सब कुछ ब्लूइश कलर, मतलब कि पूरा सफोकेशन हो जाता है बॉडी के अंदर क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ये तो दो डिजीजेस थी, जो कैसी डिजीजेस थी, बैक्टीरियल डिजीज थी। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरल डिजीज, जिसमें हम लेते हैं कॉमन कोल्ड। इट इज़ कॉज बाय राइनो वायरस। क्या होता है, कॉफ, स्नीजिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कंटामिनेट ऑब्जेक्ट्स सच एज पैन, बुक्स, कप्स, किसी के थ्रू भी ये वायरस। तो आप देखेंगे कि किसी पर्सन, मतलब फैमिली में किसी एक पर्सन को अगर कोल्ड हुआ है तो डेफिनेटली सबको स्प्रेड होने वाला है। ओके, सो वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। देखिए मैंने बोल्ड करके दिया है एंड इस पर क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया थोड़े थोड़े है ना, ऐसा लगता है कि सेम है। एग्जैक्ट ध्यान रखना, न्यूमोनिया में क्या हो रहा है, एल्वियोला में पानी भर रहा है, और वायरस में क्या हो रहा है, मतलब सॉरी कॉमन कोल्ड में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी हमारा पूरा पैसेज है ना वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नोज से लेके हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज दैट गेट ब्लॉक्ड। ओके, एल्वियोला में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ कॉल्ड बाय वायरस एंड निमोनिया कोल्ड बाय बैक्टीरिया। अब सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, हॉर्सनेस, मतलब आवाज़ बहुत मोटी सी हो जाती है। ओके, कॉफ्स, हेडेक, टायर्डनेस, सो थ्रोट, पूरा पेन करता है थ्रोट। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज वायरल है ना, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है, क्योंकि
हम जैसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो हमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, राइट? तो क्वेश्चन आता है कि फिर कोल्ड के लिए इम्यूनिटी डेवलप क्यों नहीं होती, वाई हर बार हमें कोल्ड क्यों हो जाता है? बिकॉज ध्यान रखना, हर बार राइनो वायरस का डिफरेंट स्ट्रेन आपको अटैक करता है. जैसे हमने अभी कोविड के बारे में पढ़ा था कि कोविड का वायरस जो है बार बार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, चेंज करता रहता है. तो हर बार वो करेगा तो वो एक नया ही पैथोजन है हमारी बॉडी के लिए. हमारा बॉडी उसके साथ पहले एक्सपोजर करा ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पर इन्फेक्शन हो ही जाएगा. अगर पहले से वो प्री एक्सपोजर है सेम, तो वो उसको फाइट करेगा और उस इन्फेक्शन को होने नहीं देगा. बट वायरस के पास ये एबिलिटी, वो अपने आप को म्यूटेट करता है बहुत फास्ट रेट पे, अपने आप को चेंज करता है. इसी वजह से हर बार जो कोल्ड हमें कॉज करता है राइनो वायरस, वो एक डिफरेंट थोड़ा सा म्यूटाजन, मतलब दूसरा एक म्यूटेंट उसका कॉज करता है, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट इन्फेक्टेड बाय द कोल्ड. समझे? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटोजोअन्स डिजीज कौन कौन सी है. देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रोटोजोअन डिजीज, ऐसे आपको ऑप्शंस में आएगा. तो आपको सारे डिजीज का ध्यान रखना है कि कौन सी डिजीज किस कैटेगरी में आती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है. बात करते हैं मलेरिया के बारे में. इट इज़ कॉज बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम. तीन यहाँ पे स्ट्रेन बताए हैं प्लाज्मोडियम के. देखिए स्ट्रेन हो गए अलग 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 वेराइटीज़ है, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम. सॉरी स्ट्रेन नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये स्पीशीज़ है. ठीक है, तीन स्पीशीज़ आपको बता दी. ओके, नाउ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इसके काटने से इसको मलेरिया होता है. एंड क्या होता है इसमें, हाई चिल्स एंड फीवर, बहुत ज़्यादा चिल्स एंड फीवर होता है. ठीक है, मलेरिया को अभी हम थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, पहले बाकी सारी डिजीज देख लेते हैं, फिर हम मलेरिया का लाइफ साइकिल डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं अमीबाइसिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री, कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड हाउस फ्लाई एज अ कैरियर. हाउस फ्लाई यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली ना हाउस फ्लाई जगह 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 कहीं गंदी जगह से आ रही है और वहाँ के कंटामिनेशन को अपने लेग्स पे लेके आ रही है. व्हेन इट सिट ऑन आर फूड ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड. सो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड फ्रॉम फीकल मैटर, दैट इज डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस विद एंड ब्लड क्लॉट्स, है ना, बहुत एक्सेस होगा. तो अब ध्यान रखना, इसमें जनरली एक होता है कि म्यूकस, बहुत एक्सेस म्यूकस रिलीज होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेलमिंथिंग डिजीज, जिसमें पहला आ जाता है एस्कैरियसिस, कॉज बाय एस्कैरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं. कैसे होता है, कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट बाय एग्स ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. When infected person excrete or release its feces, तो उसी के साथ ये ना इसका स्पेलिंग सही कर लेना, feces, ओके, तो उस feces के साथ ही इसके eggs of parasite, जो ये parasite है ना, ascaris कहाँ रहता है, हमारी intestine में रहता है, तो ये it is a parasite, है ना, हमें infection cause करा और हमसे ही nutrition भी ले रहा है. तो इस parasite के eggs जो है वो fecal matter में release होते हैं. And when it is like it will it flow into the river or is taken by any fly, जैसे कि house fly हुआ, like this, if it is introduced into our like water या फिर soil contaminate हो गई, है ना, तो फिर ये हमें भी spread हो जाता है. क्या होता है, internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. Okay, very severe. Mainly अब ध्यान रखना, because it lives in intestine, तो mainly issues create करेगा intestine से related. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिलारियसिस, जिसको एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, कॉज बाय दी व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई या व्यूचेरिया मलाया. ओके, दो है, दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको. ठीक है बेटा, किससे होता है, इट बाय दी फीमेल मॉस्किटो क्यूलैक्स, ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन आता है. देखिए ये जो कॉजिंग एजेंट है ना, ये तो सब में ही मैं क्वेश्चन लिखूंगी, सब में ही क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, कैसे क्या हो रहा है इसमें सिम्टम्स, inflammation of organ in which they live for many year cause them to swell and look like limbs of an elephant. मतलब कि ये body में रहता है बहुत सालों तक रहता है और inflammation create कर देता है, जिसकी वजह से body में बहुत ज़्यादा swelling create हो जाती है and ऐसा लगता है उसका जो foot है वो बहुत ज़्यादा swell करता है, तो it's look like a elephant foot, इसलिए हम उसको elephantiasis भी बोलते हैं. I'll show you the picture. Okay, जेनाइटल ऑर्गन ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज. ग्रॉस डिफॉर्मिटीज मतलब पूरा उसमें डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है जेनाइटल ऑर्गन में. आई टेल यू. ओके, फंगल डिजीज, इट इज कॉज रिंगवॉर्म है, माइक्रोस्पोरस,
ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये डिफरेंट फंगा है जो फंगल डिजीज कॉज करते हैं। तीनों का नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। सोलर यूजिंग टाल क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, उससे फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ग्रो इन द स्किन फोल्ड एज ग्रोइन और बिटवीन द टोज, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ फिंगर के बीच में या टोज के बीच में या हमारे ग्रोइन रीजन यू नो जेनाइटल ऑर्गन के पास वाला रीजन, दैट जॉइंट रीजन। एक्चुअली क्या होता है, इन वाले रीजन में प्रॉपर एयर, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, ये ड्राई नहीं होती है, इनमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। एंड फंगस को हमेशा एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा सा वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, जहाँ भी मिलता है वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाती है, ठीक है ना। सो वहाँ पे आप देखेंगे पूरा ऐसा ड्राई ड्राई एंड ईची स्टार्ट हो जाता है। द ड्राई स्किन लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प, इंटेंस ईची, ठीक है, दैट इज द रिंगवॉर्म। सो कैसे कर सकते हैं हम इन्हें कंट्रोल? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, eradication of vector and their breeding places by avoiding stagnation of water and introducing fishes like gambusia and pond that feed on the mosquito larva, है ना। ये हम कर सकते हैं, एक तो हमें vector उनका breeding रोकना पड़ेगा। जगह जगह आप देखते हैं rainy season में बहुत सारे breeding programs ऐसे चलाए जाते हैं जिसमें fumigation किया जाता है, so that कि वो उनकी breeding को stop कर सकते हैं। किनकी breeding को? इनके larvas की breeding को, है ना, मतलब larva बनने से रोक सके। and gambusia fish को भी introduce कर सकते हैं जो mosquito larva को फीड करती है। एंड वैक्सीनेशन फॉर डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस, इनके लिए हम वैक्सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। यहाँ पे ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड डोंट वरी, ये भी पूरा हमने टेबुलर फॉर्म में कर रखा है, तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स इन टेबुलर फॉर्म। एंड एक एक लाइन एनसीईआरटी की ही मैंने यहाँ पर कवर कर रखी है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा, ओके वन मिनट, जस्ट अ मिनट, या थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है ना। एक बस ये ध्यान रखना, फीवर लाइक ना 39-40 डिग्री सेल्सियस फीवर बना रहता है, ठीक है। आपको लग रहा है ये कम है, ये कम नहीं है। ओके, हम जनरली जो फीवर मेज़र करते हैं तो 98 फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। वैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे ज़्यादा है ये, ठीक है बेटा। ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, वी हैव डन एवरीथिंग दीज ऑल। चलिए अब मलेरिया की लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। मलेरिया है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, मलेरिया। ओके, मलेरिया की लाइफ साइकिल में आप ध्यान रखना, दो होस्ट होते हैं। ओके, एक तो होता है कौन, फीमेल एनोफिलस, ठीक है। ओके, एंड दूसरा होस्ट कौन सा होता है, दैट इज द ह्यूमन। ओके, अब ध्यान रखना कॉजिंग एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम है, वाइवैक्स कुछ भी ले लो, है ना, प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ का आधा लाइफ तो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस में निकालता है, मॉस्किटो में निकालता है। अब मैं फीमेल एनोफिलस नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मॉस्किटो बोल रही हूँ, ठीक है। मॉस्किटो में निकालता है, एंड आधा लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी में निकालता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तो मॉस्किटो खुद ही उससे इन्फेक्टेड है। सो मॉस्किटो इज लाइक अ वैक्टर, वो सिर्फ एज अ वैक्टर काम कर रहा है, उसको लेके आ रहा है आपके बॉडी में, इंट्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स द ओनली वर्क डन बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो कॉजिंग एजेंट नहीं है, है ना, ध्यान रखना। ओके, चलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जब भी कोई इन्फेक्टेड, ध्यान रखना, मॉस्किटो है ना, बाइट अनदर मैन, इन्फेक्टेड मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस बाइट करती है, तो जब वो ब्लड सक करती है तो उसके सलाइवा में, उसके सलाइवरी ग्लैंड से ये इन्फेक्शियस स्टेज, विच इज़ व्हाट, स्पोरोजॉइट्स। ओके, किसकी इन्फेक्शियस स्टेज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइट जो है वो ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, उसमें से ये स्पोरोजॉइट इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की, मतलब एक तरह से प्लाज्मोडियम समझिए, बट प्लाज्मोडियम के इस स्टेज पे हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ओके, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो गया, ह्यूमन के ब्लड में इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में इंट्रोड्यूस होता है, ये जो पैरासाइट्स है स्पोरोजॉइट्स, ये कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन के लिवर में चले जाते हैं। और लिवर में जाके ये क्या करते हैं, दे डू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ओके मतलब क्या अपना नंबर बढ़ाने पे, क्योंकि इनका मेन फोकस अभी तो क्या है कि अपना नंबर बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी अपना नंबर बढ़ाया जाए। जब ये वहाँ से काफ़ी अच्छे अमाउंट में अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, ये वहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं वो प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल बर्स्टिंग द सेल एंड देन रिलीज इन टू द ब्लड, ठीक है, ब्लड में निकल गए। ब्लड में निकलने के बाद अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये RBC सेल के पास जा रहे हैं, वहाँ भी जाकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, RBC इसको बर्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आया है ना इसमें, फिर इसने बहुत सारा नंबर बढ़ाया, इसको RBC को बर्स्ट किया और रिलीज हो गया, ठीक है ना। बर्स्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज ऑफ पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल्स, ओके ना। इसी टाइम पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ बर्स्टिंग यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है, क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज विच इज वॉट, हीमोजोइन, ओके ध्यान रखना, ये हीमोजोइन टॉक्सिन ही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये चिल्स फीवर आता है ना, एक बार बहुत ज़ोर से ठंड लग के और फिर फीवर आता है मलेरिया में, ठीक है, बहुत ज़ोर से ठंड लगती है, ओके। सो वो चिल्स के साथ जो फीवर आता है, इट्स बिकॉज ऑफ हीमोजोइन। तो कभी भी आप देखेंगे ना जिसको बहुत ज़्यादा चिल्स के साथ फीवर आ रहा है, पहले ठंड लगती है बहुत ज़ोर से और फिर फीवर आता है, दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मलेरिया, ओके। तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस पर्सन को मलेरिया है, एंड वेन यू विल गो फॉर टेस्टिंग तो डेफिनेटली उससे कन्फर्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हीमोजोइन जो एक टॉक्सिन वो रिलीज होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट चिल्स एंड फीवर, द साइकिल ऑफ फीवर, ओके ठीक है। जब ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में RBCs में भी अपना अमाउंट बना लेते हैं, बहुत सारी RBCs में इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उन्हें ब्रेक कर करके रिलीज होते रहते हैं, नाउ दे गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब क्या करते हैं, दे फॉर्म द गैमिट्स बनाते हैं, मतलब दे डू द गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिटोसाइट बनाते हैं, किसके अंदर ही बनाते हैं, RBCs के अंदर ही बनाते हैं, फीमेल एंड मेल गैमिटोसाइट, ठीक है, क्या बनाया, फीमेल एंड मेल गैमिटोसाइट। एंड ध्यान रखना ये दोनों ही कैसे हैं, दे आर नॉट आइसोगेमस, दे आर ओगेमस, है ना, थोड़े से डिफर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन गया। नाउ जब एक अनदर फीमेल मॉस्किटो दैट एनोफिलस इस हेल्थ इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है, ध्यान देना क्या बोल रही हूँ, जिस पर्सन में मलेरिया हुआ, अब एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल मॉस्किटो ने इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया और जब उसने उसका ब्लड सक किया अलोंग विद दैट ब्लड मील, ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो के अंदर चले गए। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, ठीक है, और ये कहाँ गए, ये चले गए उसके गट में, ऑब्वियसली उसने ब्लड लिया सादा उसके सीधा गट में गया, गट में क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसका फर्टिलाइजेशन, फीमेल और मेल जो है गैमेटोसाइट, इनका फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो की गट में हो रहा है, इन द मॉस्किटो गट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ओके देखिए यहाँ पे भी है ना, देखिए मेल का अलग डायग्राम दिखा रखा है लाइक दिस एंड फीमेल इज बिग बॉडी, तो इसलिए ओगेमस ध्यान रखना, ओगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एक इन्फेक्शियस स्टेज बनाती है जो वहाँ से ट्रैवल करके और मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, क्या करते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा, मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और अब मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजॉइड रहेंगे। जब अब ये मॉस्किटो कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया ना, अब ये मॉस्किटो जब एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो अलोंग विद दैट वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में से ये स्पोरोजॉइड उस ह्यूमन के ब्लड में चले जाएंगे एंड अगेन ये सेम साइकिल रिपीट होगा, डिड यू गेट मी, है ना, मतलब कि दोनों ही स्प्रेड करने में लगे हुए हैं, ह्यूमन भी एक मॉस्किटो इन्फेक्ट कर रहा है, मॉस्किटो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, और इस तरह से इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग रिक्रीजिंग, जितने ज़्यादा इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो जाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो डेंगू भी कुछ इसी तरह से होता है जैसे कि ये होता है, ओके। दिस वन आई वाज शोइंग एलिफेंटियसिस, है ना, ध्यान है, एलिफेंटियसिस या फिलारियसिस, जिसमें मैंने बताया कि जैसे एक लेग देखिए आपको एलिफेंट फुट बन गया, क्या सा बन गया, एलिफेंट फुट बन गया, बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो उसके जेनाइटल ऑर्गन भी
डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर आप फंगल का इन्फेक्शन देखेंगे तो ऐसे वाइट 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 स्पॉट्स आपको दिखाई देगा, दैट इज़ योर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो ख़त्म करते हैं। अनदर कल की क्लास में हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में पूरा अच्छे से बात करेंगे एंड एक एक चीज़ बहुत अच्छे से विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम समझेंगे। ठीक है, टिल देन क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है एंड मोटिवेटेड रहना है। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।